हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि फ्रीचार्ज का जो वैलेट अमाउंट है वो हम पेटीएम में कैसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इसका दो टाइप्स ऑफ ट्रिक्स है, ठीक है ना दोस्तों, जो हम पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आपको पहला तरीका बताऊँगा जो कि फ़ोनपे से हम ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों दूसरा मेथड है वो जिंगोई मेथड है, ठीक है ना दोस्तों। जिंगोई ऐप से हम ट्रांसफ़र करेंगे गिफ्ट कार्ड खरीद के, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से उसके लिए हल्का सा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फ़ोनपे में बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों जिंगो ऐप में 7 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है, लेकिन फ़ोनपे में मुश्किल से 1 रुपये लेता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको इसमें फ़ोनपे के थ्रू हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं पेटीएम अकाउंट में बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं तो जानता ही हूँ, अगर आप पेटीएम यूज़र है तो आपके पास वर्चुअल पेटीएम बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसमें पेटीएम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे हम यूज़ कर सकते हैं पेटीएम में। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको मेरे हर ट्रिक्स के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेरा वैलेट अमाउंट दिखा देता हूँ वैलेट में जाके, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा 107 टोटल है। तो मेरा वैलेट में 7 रुपीज़ है और जो वो है जो 100 रुपीज़ है वो वाउचर बैलेंस है। तो दोस्तों हम अभी इसको ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सबसे पहले फ़ोनपे ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों आप अपना फ़ोनपे ओपन कर लीजिए, और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो फ़ोनपे में सिंपली सिंपल स्टेप से रजिस्टर कर लीजिए, बस आपको OTP आएगा उसी से रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों आपको माई वैलेट पर जाना पड़ेगा, माई मनी पर जाके आपको वैलेट पर जाके लिंक कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। लिंक करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा, आपको फ्रीचार्ज से लिंक करने के लिए आपको बस एक OTP आएगा, उसे आपका लिंक हो जाएगा माई मनी में जाके। तो दोस्तों जैसे ही लिंक हो जाता है रिफ्रेश कर लीजिए, और यहाँ पे डाउन पे आके आपको गोल्ड पे ओपन कर लेना, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ले लेना जो कि ऑफिशियल है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको गोल्ड अगर आपका 107 है तो आप 107 ले लीजिए, अगर आपका 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ लेके आपको बाय करना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे मेरा 107 था फ्रीचार्ज में, तो मैं यहाँ पे 107 डाल के बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रीचार्ज अगर आपका लिंक है तो यहाँ पे आ जाएगा 107 रुपीज़ मेरा था, तो 107 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों अगर आपका भी अगर 100 दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपका 5 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली इसी मेथड से। तो दोस्तों अगर आपका 5 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ डाल के आपको बाय कर देना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपका टिक फ्री चार्ज में ही रहे, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप जैसे ही आप बाय कर लेते हैं तो यहाँ पे गोल्ड बाय हो जाता है फ्री चार्ज अमाउंट से, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो गोल्ड हम बाय करेंगे वही गोल्ड हम सेल करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गोल्ड परचेज सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों जो गोल्ड हम बाय करेंगे वो हमें पेटीएम में ट्रांसफ़र करेंगे सेल करके, ठीक है ना दोस्तों। तब ये फ़ोनपे गेटवे जैसा ऐड करता है। तो यहाँ पे हमने गोल्ड खरीद लिया और आप ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने बाय कर लिया तो दोस्तों अभी हमें सेल करना बाकी है। तो दोस्तों सेल करने के लिए हमें 24 आवर्स या तो फिर नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वेट कर लीजिए, अगर नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट डे में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपने कार्ड नहीं खरीदा तो मतलब कार्ड ऐड नहीं किया तो ऐड कर लीजिएगा पेटीएम का। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्रेडिटर टू दिया है तो वहाँ पे सेल हो जाएगा। तो ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जो जो हमारे गोल्ड का हमने खरीदा था वैल्यू उधर ऊपर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। 101 रुपीज़ मेरा था तो यहाँ पे ऊपर 101 दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें आप कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेटीएम में कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिंक कर देते हैं तो आप पेटीएम में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी नेक्स्ट डे में बता देता हूँ कैसे ट्रांसफ़र करना है। आपको वापस गोल्ड पे जाना है और सेकंड ऑप्शन में क्लिक कर लेना है जो कि ऑफिशियल गोल्ड ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद आपका ऊपर जितना भी वैल्यू है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। वो अपना गोल्ड बाइड किया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें सेल करना है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलिंग ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे दोस्तों अगर आपका 100 रुपीज़ है तो आप 99 डाल दीजिए, अगर आपका जितना भी अमाउंट हो उसे एक माइनस करके डाल दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर 50 है तो 49 डाल दीजिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रांसफ़र के टाइम में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 100 डाल लेता हूँ, और यहाँ पे ग्राम कैलकुलेट हो जाता है, और दोस्तों आपको यहाँ पे सेल कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ दोस्तों। जो भी आप सेल करेंगे जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया उसी पे चले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम वैसे ज़्यादा अच्छा है ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों गोल्ड सेल हो जाता है, यहाँ पे गोल्ड सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र होने के लिए पेटीएम में। तो दोस्तों ये इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है पेटीएम में।
मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस हो चुका है जो भी हमने ट्रांसफ़र किया था। मैं आपको बैक जाके ट्रांजैक्शन में भी दिखा देता हूँ एक बार, हमारा जो सेल हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारा गोल्ड जो है वो सक्सेसफुली सेल हो गया है। हमें बस अभी पेटीएम ओपन करना है और हमें चेक करना है हमारा अमाउंट आया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट में चले जाता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो हो गया है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे 100 रुपीज़ हमारा आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये सिंपल ट्रिक आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर आपका 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो भी अमाउंट है वो आप फ्रीचार्ज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें पेटीएम में, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। टिल देन दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय।